बीती रात अज्ञात चोरों ने अंबेडकर चौराहा बस स्टैंड पर एक साथ दो दुकानों में एक दुकान से दूसरी दुकान में सुरंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जांच में पुलिस जुटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाजरा पत्नी अकबर खान निवासी रेंज मोहल्ला लिधोरा की जनरल स्टोर की दुकान से करीब 30,000 का सामान व नकदी 1,000 और जितेंद्र पिता भगवान दास सैन निवासी खुशीपुरा मोहल्ला लिधोरा की मोबाइल की दुकान में से 1,00,000 रुपए के मोबाइल व सामान और 2,000 नगद उठा ले गए, जिसकी सूचना दोनों दुकानदारों ने लिधोरा थाना जाकर दी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकानदारों ने बताया कि रोज की तरह वह अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। आज सुबह आकर देखा तो पहले दुकान की छत में सुरंग बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं बनी। इसके बाद दुकान के नीचे बाजू में सुरंग बनाई थी और दुकान का सामान गायब था, जिसकी सूचना लिधोरा पुलिस को दे दी गई है। सुरंग बनाकर की गई दुकानों में चोरी ये पहली घटना है। लिधोरा से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।